एक दिन दोपहर में मैं बस एक छोटी सी पहाड़ी पर जाकर बैठा जो उस शहर में है जहां मैं बड़ा हुआ था। उस पल तक मैंने हमेशा यही सोचा था कि ये मैं हूँ और वो कोई और है। मुझे किसी और से कोई परेशानी नहीं थी, पर वो कोई और है, ये मैं हूँ। पहली बार मैं ये नहीं जानता था कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं हूँ। मैं जो था वो हर जगह फैला हुआ था। मुझे लगा ये पागलपन 5-10 मिनट तक चला, लेकिन जब मैं अपने होने के सामान्य तरीके पर वापस आया तब 4.5 घंटे बीत चुके थे। मैं वहीं बैठा था, पूरी तरह से चेतन, आंखें खुली। मैं वहां दिन में करीब 3 बजे बैठा था और शाम के 7:30 बज रहे थे। सूरज डूब चुका था और मुझे लगा बस 10 मिनट हुए हैं, पर 4.5 घंटे बीत गए थे। मेरे वयस्क जीवन में पहली बार इतने आंसू बह रहे थे कि मेरी शर्ट पूरी गीली थी। मुझे आंसू आना असंभव था, मैं ऐसा था। मैं हमेशा खुश रहा हूँ, ये मेरे लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। मैं अपने काम में सफल था, मैं युवा था और कोई परेशानी नहीं थी, मैं खुश था। पर मुझ में एक अलग तरह के परम आनंद का विस्फोट हो रहा था जो वर्णन से परे है। मेरे शरीर की हर कोशिका परम आनंद से सराबोर थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जब मैंने अपना सिर हिलाया और अपने शक्की दिमाग से पूछने की कोशिश की कि मुझे हो क्या रहा है, तो मेरा दिमाग मुझे सिर्फ एक चीज बता पाया कि मैं कुछ बहुत अजीब कर रहा हूँ। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि वो क्या था, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता था क्योंकि इससे खूबसूरत चीज मुझे कभी नहीं मिली थी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान अपने अंदर ऐसा महसूस कर सकता है। तो जब मैं अपने सबसे करीबी दोस्तों के पास गया और बताया कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, बातें करते करते मेरी आंखों में आंसू आ जाते और लोग कहते, क्या तुमने कुछ पिया था, कुछ खाया था, तुमने क्या किया था? मुझे पता था कि किसी को कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं बस आसमान को देखता हूं तो आंसू आ जाते, पेड़ को देखता तो आंसू आ जाते, आंखें बंद करता तो आंसू आ जाते। मैं बस सराबोर था। 6 महीनों में मेरी हर चीज जबरदस्त तरीके से बदल गई और मैंने समय का बोध खो दिया। जब यह अगली बार हुआ तब बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे आसपास लोग थे। मैं अपने परिवार के साथ बैठा था खाने की टेबल पर। मुझे वाकई लगा 2 मिनट हुए, पर 7 घंटे बीत गए। मैं वहीं बैठा रहा पूरी तरह से सचेत, पर मुझ में समय का कोई बोध नहीं था। ये कई बार हुआ। एक दिन मैं बस अपने खेत में बैठा था और मुझे लगा कि मैं 25-30 मिनट के लिए बैठा, लेकिन मैं 13 दिन तक बैठा था। तब तक भीड़ जमा हो गई। भारत ऐसा देश है कि मेरे आसपास बड़ी बड़ी मालाएं थीं। कोई पूछ रहा है कि उसका कारोबार कैसे चलाएं, कोई पूछ रहा है कि उसकी बेटी की शादी कब होगी। वो सारी बकवास जिससे मुझे नफरत थी मेरे ही आसपास हो रही थी। और मुझे वाकई लगा 25-30 मिनट हुए थे, पर वो लोग कह रहे थे 13 दिन से ये बैठा है, ये समाधि में है, ये है, वो है। मैंने ये शब्द भी नहीं सुने थे। मैं यूरोपियन फिलोसफी पढ़कर बड़ा हुआ था, कामू, काफ्का, दोस्तोवस्की, आप उन्हें पढ़ते हैं अमेरिका में और 60 का दशक था तो मैं बीटल्स वगैरह को सुनते हुए बड़ा हुआ था। मैं और अध्यात्म अलग अलग दुनियाएं थी। मेरे वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं था, तो मेरे अंदर ये शब्द ही नहीं थे, समाधि ये और वो। लोग कह रहे थे, अरे वो इस तरह की समाधि में है, वो उस तरह की समाधि में है, आप उन्हें छुएंगे तो ये होगा, और लोग मुझे पकड़ना चाहते थे। तो मैं बस यही कर सकता था। मैंने वो जगह छोड़ी और सफर पर निकल गया सिर्फ इससे बचने के लिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर इंसान के लिए संभव है। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये आपके साथ होना चाहिए। चाहे आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़े या ना चढ़े, धरती के सबसे अमीर आदमी बने या ना बने, इस धरती पर आपके जीवन का अनुभव अच्छा होना चाहिए। आपको आनंद में जीकर जाना चाहिए। ये हर इंसान के साथ होना चाहिए। हर कोई इसका अधिकारी है और हर किसी में ये काबिलियत है।